Good morning. Welcome to Standard 7, Subject Hindi, Lesson 4, Kathri और Karna. ठीक है बच्चों, आज हम इस लेसन को एक्सप्लेन करने वाले हैं. कथनी और करना. कथनी क्या है और करनी क्या है? कथनी मतलब किसी को उपदेश देना, कहना. उपदेश देने के बाद जो है हम किसी को बोल रहे, नहीं गए तुमको ये काम नहीं करना है, यहाँ से फूल नहीं तोड़ना है, ये बगीचा में जो है फूल है वो नहीं तोड़ना है. और उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद हम उस पर्सन को मना कर रहे हैं कि तुम्हें फूल नहीं तोड़ना है, और तुम जा करके जो हम हैं मना कर रहे हैं और हम जा करके वहीं फूल तोड़ रहे हैं, तो ये हो गया करना. यानी कहना बहुत आसान है लेकिन उसी बात को फॉलो अप करना बहुत मुश्किल है. तो हम इस लेसन में इसी लेसन को कथनी और करनी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. कथनी और करनी में क्या अंतर है? तो बच्चों, ये जो है मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. ठीक है, क्या है? मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की. सभी के अंदर हर शक्ति है, अच्छे की और बुरे की, दोनों ही शक्ति मनुष्य के अंदर होता है. इसलिए वो संसार में बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है. मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया. क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा इंसान है जिसके पास दिमाग होता है. वो कोई भी काम करने से पहले सोचता है, समझता है, बोलता है और उसको फिर उसको फॉलो भी करता है. तो मनुष्य के अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ क्या है? दिमाग है. सब लोग अपना अपना जीवन यापन करते हैं. एक पशु भी अपने बच्चों को पालता है, अब पक्षी भी अपने बच्चों को पालती है, लेकिन मनुष्य को जो है भगवान ने, प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. विशिष्ट शक्तियाँ यही है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है और फिर उसके बाद वो अपने द्वारा काम भी कर सकता है. इसलिए वो संसार में बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते. कई बार मनुष्य कहता है, कहता कुछ है और करता कुछ है. आप लोगों के साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि अगर आपके बड़े आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, फिर उसके बाद वही बड़े जो है वही काम करते हैं, तो आप उस जगह पे कहते हो कि आपने तो हमें इस काम के लिए मना किया था, आप वहाँ पे वो काम कर रहे हो. मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने बच्चों को किसी काम के लिए मना करती हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि वो काम तो मुझे भी करना पड़ा. तो हमारे भी बच्चे मुझे बोलते हैं, आपने तो मना किया था इस काम के लिए, आप कैसे कर रही हो? तो ये जो है हर किसी के जीवन में ये घटना घटती ही है. तो सभी लोग समय पर काम नहीं करते हैं. कहते कुछ है और करते कुछ है, वही है कथनी. कथनी मतलब कहना और करनी मतलब करना. कई मनुष्य की कथनी करनी में अंतर देखने को मिलता है. इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया. ये जो निबंध है इसमें उजागर किया गया, इसमें बताया गया है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, मतलब उसको सजाया है. गुणों से संवारा मतलब सजाया है. इसका उसे अभिमान भी होता है. हमें भी ना कितना अभिमान है. हमें भगवान ने क्या दी? दो प्यारी प्यारी आंखें दी हैं जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, दो कान दिए हैं जिससे हम सारी दुनिया की बातों को सुनते हैं, मुंह दिया है जिससे हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब जो है हमारे गुण हैं और जिसको ईश्वर ने संवार करके सजो करके भेजा है. किसी के पास बुद्धि कम होती है, किसी के पास बहुत विलक्षण बुद्धि होती है. कोई भी बात जो है एक बार बोल दो तो उसको जो है दिमाग में छप जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके दिमाग में नहीं छपता, बहुत देर से उसको समझ में आता है. तो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, किसी को बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है, किसी को कम समझ में आता है. परंतु स्वयं गुणों को खान समझने वाला व्यक्ति
कई बार ऐसे कार्य करता है जिसे वह गलत बताता है, लेकिन फिर वही काम वो करता है। इसीलिए बोलते कथनी और करनी अंतर के लिए ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते। आपके जीवन में भी आपको इस तरह के उदाहरण बहुत देखने को मिले होंगे। आप बताते हैं, देखो यहाँ पे बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, फूल के पौधे लगाएंगे, अभी तो सब बोल ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट बढ़ाना है, पॉल्यूशन घटाना है, तो हमें हर रोज एक पौधा लगाना चाहिए और उस पौधे को क्या करना चाहिए, डेली सींचना चाहिए और उसके बाद उसको बड़ा करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी इस सज्जन ने ये काम किया। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, कतार यानी कि एक लाइन में रोपा, देखभाल की। देखभाल मतलब उसको रोज पानी देना, उसके मिट्टी को कोरना, इस तरह से पौधे बड़े हो गए। कुछ ही दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। पार्क मतलब उपवन, बगीचा बहुत सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। लोग जाके सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इस तरह से लोग टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में आने जाने में उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर न ले जाएं। मतलब उस सज्जन को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये फूल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इसको लेकर के कहीं कोई तोड़े ना इसके लिए। अभी जो है तुम लोग देखो, कोई भी पार्क और बगीचा में जाओ तो वहाँ लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है, लिखा रहता है ना कि फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ पे भी उनको उन्होंने क्या किया, एक तख्ती पर लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अभी भी कहीं भी उपवन बगीचे में जाओ वहाँ जरूर लिखा रहता है, और वहाँ के जो लोग जो देख रेख करने वाले हैं वो देखते भी, अगर फूल तोड़ते हो तो तुरंत उनको आपको टोक दिया जाता है, देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है तो फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ना। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले जो सज्जन थे बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते उनको देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए फूल तोड़ना। यानी कि वो सज्जन व्यक्ति जो है लोगों को मना कर रहे हैं कि फूल नहीं तोड़ना है, फूल तोड़ना मना है, और वो खुद वहाँ पे जा कर के फूल तोड़ रहे हैं। और जब वो लोगों ने देखा उनको कि वो तख्ती लगाने वाले सज्जन ही फूल तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शर्म और झेप को मिटाने के लिए क्या बोला कि ये फूल जो है पूजा के लिए तोड़ा जा रहा है। चाहे कुछ भी किसी के लिए भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन आपने भी तो नियम को भंग किया। तो वही है, कहना आसान है और करना बहुत कठिन होता है। फिर उसके बाद लिखा है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना, पान खाना, तंबाकू खाना, इस तरह का जो है धूम्रपान जो है करना निषेध है, यानी कि यहाँ पे बसों में आप ये सब नहीं कर सकते। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि यात्री ने बड़ी बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी और सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। उसे थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोले, यह वाक्य आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो ये सही तो है, ये सही है नहीं है ना, गलत है। क्यों? ये वाक्य हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। हम बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे तो क्या कहते हैं, बस में कोई हानि हो सकती है, तो आप पिएंगे तो आपकी वजह से भी हानि हो सकती है, हो सकती है। तो ये है कथनी और दूसरा। अब उसके बाद तीसरा, एक व्यक्ति दुकान पर गया, क्या करने गया, दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर
वहाँ सामने वाहन रखे हैं, वहाँ रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तो थोड़े ही रुकना, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। वो उसका बेटा है तो वहाँ पे स्कूटर वो खड़ा कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहाँ स्कूटर नहीं खड़ा। तो यही है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो वो आदर्श नहीं जाते। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर कहा, बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, यानी कि शर्म से लाल हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ झूठ बोलवाया। एक सज्जन अपने पोते को यह सिखाया कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि जब हमारा टर्न आएगा तो ही। अभी देखो, कहीं भी आप जाते हो कोई भी काम करने के लिए, तो आपको जो है वहाँ क्यू में खड़ा होना पड़ता है। इसमें खड़ा होना पड़ता है, क्यू में, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और लाइन में खड़े होने के लिए जो है आपको इंतज़ार करना पड़ता है। चाहे अभी कहीं भी जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको जो है इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरा टर्न आएगा, मेरी बारी आएगी, तो ही हम ये काम कर सकते हैं। हर जगह आप लाइट बिल भरने जाते हो तो लाइट बिल भरने के लिए भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कोई भी फोन का बिल भरने जाते हो, अभी तो बहुत बड़ा काम चल रहा है वैक्सीन का काम, कोरोना वैक्सीन का काम, तो आप कोरोना वैक्सीन लगाने जाते हो तुरंत तो नहीं लग जाता है, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। जब आपकी बारी आएगी तो ही आपको वैक्सीन लगेगा, ठीक है? तो ये सब इंतज़ार करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे सज्जन व्यक्ति ने इन्होंने क्या किया, अपने पोते को समझाया, ये सिखाया कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, यानी कि हम जो है लेट से गए लेकिन हम जो है आगे पहुंच गए, तो आगे पहुंच गए तो सब चिल्ला लगे, भाई आप लेट से आए हो, आप पीछे जाओ, लाइन में खड़े हो तभी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि जब भी हमारा लाइन में हमारा जगह समय आए तो ही हमें अपना काम करना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, बैंक में भी वही है, कहीं स्टेशन जा ट्रेन से टिकट लेने जाना है तो वहाँ पे भी आपको लाइन लगाना है। जब तक आपका टर्न नहीं आ जाएगा तो आपको काम आपका नहीं होने वाला। फिर एक दिन की बात है, वे जल बिजली जमा कराने गए, जल का चार्ज, पानी का चार्ज और बिजली का चार्ज दोनों ही जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, जिनको उन्होंने ये बोला था कि हाँ कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, कोई भी काम गलत ढंग से करेंगे तो हमारा जो है नुकसान होगा, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार थी, यानी लंबी लाइन थी, देखकर वे कोई उपाय सोचे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, लोगों आगे एक परिचित व्यक्ति उनको दिखाई दिया, खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो, लो इसको भी जमा करो। वह व्यक्ति कुछ बोले इससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगे ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे।
कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं और उन्हें अपना लेते हैं, अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी भी कोई सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। समझ में आया? हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान, जब हमारा कहना और हम उसी बात पर अडिग रहे करने करें तो ही हमें क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। नहीं तो हमें सम्मान नहीं मिलता है, हम जो है क्या होते हैं, असम्मान के लायक होते हैं, हो जाते हैं हम। तो ये है कथनी और करनी। कथनी और करनी का जो है एक निबंध टाइप का है, आप इस पर निबंध भी लिख सकते हैं कि कथनी और करनी क्या होता है। क्या होता है? दूसरों को अच्छी बातें सिखाना तो बहुत आसान है, हम भी बहुत बातें आप लोग को सिखाते हैं अगर क्लास में रहते हैं, लेकिन अगर वही बात हम जो है फॉलो नहीं करेंगे, हम उस पर खुद अमल नहीं करेंगे तो हम आपके नजरों में तो गिर जाएंगे, तो हमें भी शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। हम बोल दो देखो हम लोग भी करते हैं। अब अगर आप लोग क्लास में हो, कोई बातें कर रहा है तो हम उनको मना करते हैं, बेटा बातें नहीं करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई टीचर क्लास में आ जाती है तो हम आप ही लोगों के सामने उनसे बातें करते, तो क्या हो गया, मेरे कथनी और करनी में अंतर हो गया ना। हम आपको मना कर रहे हैं कि बातें मत करो क्लास में, और हम ही जो है कोई दूसरी टीचर आ जाती है तो हम उनसे बातें करने लगते हैं। भले ही वो टीचर काम के लिए आई, कोई इम्पोर्टेंट बात कह रही है तो उसका हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम बातें तो कर रहे हैं ना। तो मेरे कथनी और करनी में आकाश पाताल का अंतर हो गया, ठीक है। तो ये है कि दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देना भी प्रायः, और स्वयं धूम्रपान करना, तो इस तरह से जो है हम दूसरों को सीख देने में सबसे आगे हैं, और अगर हमें उस जगह पे अमल करना हो तो हम पीछे हो जाते, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखिए। टेक्स्ट बुक में आपको पता है शब्दार्थ दिया, ठीक है, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है। क्या क्या है? समारा यानी कि किसी चीज को सजाया, अंतर भेद या फर्क, फर्क यानी कि अंतर, अंतर ही होता है फर्क। पार्क बाग बगीचा उपवन, कतार पंक्ति लाइन में खड़े रहो, पंक्तियों में खड़े रहो, कतार वर्जित, वर्जित यानी कि ये काम करना वर्जित है, निषेध है। जैसे यहाँ पे नीचे आप ऑफिस में देखो जाओ तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है, तो कृपया अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट कर दे, कहते हैं ना। तो ये है कि वो जो है ये काम करना वर्जित है, मनाही। कंडक्टर परिचालक, जो गाड़ी चलाता है वो तो ड्राइवर होता है, और ड्राइवर के साथ जो टिकट उकट लेता है वो कंडक्टर कहलाता है। शीघ्र यानी जल्दी, तपाक से जोश के साथ जल्दी। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा इंतजार। राशि रकम, रकम और राशि तो आपको अच्छी तरह पता चल गया क्योंकि आपने इसके पहले जो वीडियो कुत्ते की वफादारी के जो लेसन देखे उसमें रकम और राशि की बात कितनी बार आई है, क्योंकि सेठ जो है वो लाखा बंजारा को बड़ी रकम देता है, बड़ी राशि देता है उधार के रूप में। और आचरण व्यवहार सदैव यानी सदा के लिए, हमेशा। और उसके बाद मुहावरे हैं, गुणों की खान बहुत गुणी होना, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही शर्मिंदा होना, बहुत लज्जित होना, ये गुणों की खान है। अब उसके बाद जो है आप के बुक में फिर से वही बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज है, इसमें
इससे पहले के लेसन में आपने देखा कि एक कहावत था, क्या कहावत था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है, मुहावरे और कहावत में यही अंतर है। मुहावरे क्या होता है कि मुहावरा जो है ना छोटे से शब्दों में वाक्यों को सुंदर बना देता है, अतिशयोक्ति आ जाती है वाक्यों में। और कहावत होता है ना, कहावत पूरा एक सेंटेंस के रूप में होता है और वो सेंटेंस में जो है ढेर सारे मतलब पूरा मीनिंग समझा देता है, ये कहावत होता है। अब यहाँ पे पढ़कर, ये कहावत है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम तो मिल रहा है और साथ में उसके गुठलियों के दाम, यानी कि एक लाभ तो हो रहा है फिर दूसरा भी लाभ। जैसी करनी वैसे फल, सभी को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बोलते हैं ना, जैसी करनी है वैसी बननी, जो भी अपना जो जैसा काम करता है वो उसका ही फल भोगता है। अच्छा काम करता है तो अच्छा फल भोगता है और खराब काम करता है तो खराब फल भोगता है। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भी भय नहीं होता। अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम अड़िग होकर के सच बोलते रहेंगे। सच बोलने में जो है 100 झूठ बोलो और एक सच उसमें भारी हो जाता है। अगर सच है, और झूठ भी तब बोलो जब किसी का भला हो रहा, अपना भला हो रहा है तो झूठ मत बोलो, लेकिन ये झूठ बोलने से सामने वाले की जो है तकदीर में कुछ चेंजेस आ जाएगा तो झूठ बोलो, तो वो झूठ जो है सच के बराबर होता है। सांच को आँच नहीं है, ये सच्चे व्यक्ति को कोई भी भय नहीं होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, किसी को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आओ है तो उसमें ये कहावत कहा जाता है, ये व्यक्ति तो काला अक्षर व्यर्थ है। आपको पता है कि मैंने इस लेसन के पहले कुत्ते की वफादारी में आपको हमने संज्ञा के बारे में बताया। संज्ञा में हमने आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के डेफिनेशन लिखवाए थे, यानी कि परिभाषा भी लिखवाई थी और साथ में इसके उदाहरण भी। अब इस वाले लेसन में, यानी कि फोर्थ लेसन में, कथनी और करनी में आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द गुण दोष भाव आदि का बोध कराते हैं, वो हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। कोई भी शब्द जो इसके अंदर गुण है, क्षमा वीरों का आभूषण है, यानी ये क्षमा जो है वीर का गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो अहिंसा, अहिंसा शब्द जो है वो उसका भाव दर्शाता है। तो जो शब्द गुण दोष भाव दशा आदि को बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, बुढ़ापा, लंबाई, अमीरी, ये सब जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में बता दिया है, तो जब भी हम वीडियोस के बारे में लिखवाना शुरू करेंगे तो भाववाचक का भी हम आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे। भाववाचक के बाद बचा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो जिन संज्ञा के शब्दों से समूह का पता चलता है, समूह का, जैसे वहाँ पर सड़क पर बहुत भीड़ है तो भीड़ शब्द से जो है समूह का पता चलता है। वहाँ यानी कि वहाँ ढेर सारे लोग रहते हैं, लोग खड़े हैं, पीपल खड़े हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आ गया भीड़। ये ताश के पत्तियों की गड्डियाँ हैं, ताश के पत्ते की गड्डी, गड्डी यानी कि एक ताश का पत्ता नहीं है, पूरी के पूरे 52 पत्ते हैं, तो ये ताश के पत्ते की गड्डी जो है पैक ऑफ कार्ड्स, इंग्लिश में सुने हो ना पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि कलेक्टिव नाम।
कलेक्टिव नाउन यानी कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन, तो इसी तरीके से समूहवाचक कोई भी चीज़ का समूह। यहाँ मवेशियों की झुंड है, मवेशी मतलब समझते ही हो, गाय भैंस बकरी बैल जो है शिप भेड़ ये सब की झुंड, तो ये मवेशी जो है मवेशियों की झुंड है, झुंड यानी कि एक साथ है, तो झुंड शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जैसे यह औजार लोहे की बनी है, तो लोहा, लोहा क्या हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और पेपर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे चांदी सोने इन सब के जो आभूषण बनते हैं, तो चांदी सोना जो है इसका द्रव्यवाचक है, यानी कि मटेरियल नाउन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। मटेरियल नाउन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, नाउन पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, भाववाचक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये समूहवाचक का कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के नाउन संज्ञा होते हैं, संज्ञा के भी पांच प्रकार होते हैं। पांच प्रकार बार बार बता रही हूँ कि कौन कौन से, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये नाउन है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं हिंदी में, संज्ञा। और संज्ञा के पांच भेद होते हैं, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। ये पांच भेद हिंदी अभी बोल दिया, फिर से नहीं रिपीट करूँगी क्योंकि एक बार। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ एक्सरसाइज के बारे में बोला, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बता दिया, कैसे कोई भीड़ होती है। हाँ, आज जो है लोगों की टोली चंदा मांगने आई, तो टोली काफ़ी डोर थे, सारे छः सात लोग हैं, तो टोली हो गया। हाँ, आज वहाँ पे शोक सभा आयोजित की गई है, तो सभा, सभा में भी काफ़ी लोग आने वाले हैं, तो सभा में लोग जो है उनके लिए सभा रखी गई, तो सभा में लोग काफ़ी आएंगे, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो द्रव्य भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा दो, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस वीडियो के बाद जो है हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज वगैरह, टेक्स्ट बुक की विराम चिन्ह के बारे में भी है। देखो विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह हम आपको लिखवाएंगे। ओके, कि विराम चिन्ह किसको किसको कहते हैं और क्या क्या इसका हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू।